ये स्पीकर जो आज मैं लाया हूँ वो उन लोगों के लिए जो कि बढ़िया साउंड क्वालिटी के साथ बढ़िया लुक्स भी चाहते हैं, क्योंकि इस स्पीकर में बहुत मस्त रेट्रो लुक मिलती है। देखो कैसे बढ़िया लेदर फिनिश में बॉडी दी गई है और ये आगे फैब्रिक की मेश बन रही है जो इसको प्रीमियम लुक देती है। साथ में ये जो बटन्स है ना वो मुझे पुराने टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे ना उनकी याद दिला देते हैं। एंड इसका बॉक्स तक मुझे बड़ी प्रीमियम फील दे रहा है। चलो इसको खोल के देखते हैं क्या क्या अंदर से निकलता है। पहले तो हमें ये एक सेफ्टी के लिए अंडे की ट्रे रखी मिली है अंदर। एंड इसको साइड हटाते हैं तो यहाँ पर हमारा स्पीकर रखा है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। हाँ, और इधर अंदर थोड़ा सा और पैकेजिंग मटेरियल है, थोड़ी बहुत यहाँ पर गाइड मिली है एंड साथ में हमें केबल्स मिल जाती है, जिसमें एक पावर केबल, एक 3.5 mm जैक की केबल एंड एक टाइप सी केबल, और सेफली पैक्ड हमें अपना ये स्पीकर मिल जाता है। तो ये है हमारा Edifier D32 स्पीकर, बिल्कुल रेट्रो लुक में बनाया गया है एंड एकदम प्रीमियम मटेरियल के साथ लग्जरी फील दे रहा है। तो इसकी आउटर बॉडी में बिल्कुल लेदर फिनिश मिलेगी, बट लेदर के पीछे अंदर वुडन हाउसिंग है तो वुडन मटेरियल यूज किया गया है जिससे साउंड क्वालिटी और भी बेटर आए। फ्रंट पे देखे तो एक बिल्कुल फैब्रिक की मेश है और टॉप लेफ्ट पे Edifier का लोगो मिल जाता है, जिसके स्ट्रेट नीचे Edifier का ब्रांड नेम भी मेंशन है। और साथ में हमें इस रेट्रो लुक में बटन्स मिल जाते हैं। पहला है पावर बटन, फिर ब्लूटूथ बटन, फिर है प्ले पॉज और फिर वॉल्यूम कंट्रोल्स। ये दिख रहा छोटा है बट उठाने में काफी भारी है यार, अराउंड 3 से 4 किलो तक इसका वेट होगा, मतलब एक हाथ से ज्यादा देर तक इसको उठा नहीं सकते। इसमें यहाँ सेंटर में एक 4 इंच का 30 वॉट का स्पीकर है और साइड में 2 1-1 इंच के 15-15 वॉट के ट्वीटर्स हैं। बैक में भी लेदर फिनिश मिल जाती है और 2 यहाँ पर ये वूफर की हवा निकलने वाली जगह है और सेंटर में सारी डिटेल्स दी हुई है। उसके नीचे हमें एक ऑक्स पोर्ट मिल जाता है, एक USB पोर्ट मिल जाता है और साथ में पावर प्लग लगाने की जगह मिलती है। तो कनेक्टिविटी के मामले में इसको आप ऑक्स से कंट्रोल कर सकते हो, USB लगा सकते हो या फिर ब्लूटूथ से कंट्रोल कर सकते हो या फिर एयरप्ले से कंट्रोल कर सकते हो। तो 4 ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं और सारे मोड इसके पावर बटन पे एक टैप करके ही स्विच कर सकते हो। एंड ब्लूटूथ वाले बटन को होल्ड करके रखो तो ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में भी चल जाता है ताकि आप नया डिवाइस कनेक्ट कर सको। एंड ब्लूटूथ कनेक्शन में इसमें LDAC का भी सपोर्ट मिलता है जिसमें ऑलमोस्ट लॉसलेस ऑडियो ट्रांसमिशन होता है। साथ ही में इसमें हाईरेस ऑडियो और हाईरेस ऑडियो वायरलेस का सपोर्ट मिलता है, तो मतलब साउंड क्वालिटी आपको एक नंबर मिलने वाली है। मतलब बेस ओवर पावर नहीं करेगा, मिड्स भी बहुत अच्छे रहेंगे, ट्रेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। अभी आपको सुनाऊंगा बट उससे पहले मैं बता दूं कि बैटरी लाइफ इसमें 11 घंटे की मिलती है। ये ब्रांड क्लेम करता है 11 घंटे, मैंने जहां तक टेस्ट किया इसकी बैटरी लाइफ 9 से 10 घंटे तक आराम से चल जाती है। चलो अब इसको चला के इसकी साउंड आपको एक्सपीरियंस करवाने का ट्राई करता हूं। बेस इसका ओवरपावरिंग नहीं है, बिल्कुल बैलेंस साउंड है। कई स्पीकर होते हैं ना बिल्कुल बूम बूम ऐसे कान में बजा देते हैं, बिल्कुल वैसा नहीं है, बैलेंस है। जैसा गाना बजाओगे उसके हिसाब से अपने आप एडजस्ट करेगा। एंड वो तो रूम में था, अब मैं आउटडोर कंडीशंस में आ गया हूँ और अब देखते हैं कि इसकी आवाज कितनी दूर तक जाती है। आई डोंट नो माइक में आ रहा है या नहीं आ रहा, बट यहाँ तक भी बहुत इसकी तगड़ी आवाज मेरे को आ रही है एंड इवन मतलब बहुत दूर तक भी काफ़ी तेज आवाज़ इसकी मेरे को सुनाई दे रही है, इवन आउटडोर एरिया में भी। और हाँ, इसकी Edifier Connect ऐप है जिसमें आपको पूरा इक्वलाइजर कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको बेस इंक्रीज करना है, ट्रेवल कम करना है तो वहाँ पर आप जाकर सेट कर सकते हो।
और भी काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे बैटरी परसेंटेज यहाँ शो हो जाती है, मोड चेंज करना है वो हो जाता है, एंड एप्पल एयरप्ले भी ऐप के थ्रू ही सेट हो जाता है। बाकी जो इक्वलाइजर के प्रीसेट्स हैं एंड कस्टमाइजेशन दी गई है वो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। और हाँ, बेस की बात हो रही थी तो बेस का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर पेपर रख दिया और गाना प्ले करके देखते हैं। देखो भाई, छोटे से में कितनी ज्यादा पावर है। चलो एक माचिस की डिब्बी रख के देखते हैं, मजा ही आ गया है। इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इसका बेस में कितनी पावर है। तो अब आ जाते हैं इसके प्राइस पे। अमेजन पे ये 18,490 मतलब ऑलमोस्ट 18,500 रुपीज़ का अवेलेबल है, एंड अगर आपके पास अमेजन पे कार्ड है तो आपको अराउंड 1,000 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा, तो 17,500 तक का आपको पड़ जाएगा। तो क्या 17,500 रुपीज़ में ये वर्थ है? तो मैं कहूँगा कि हाँ, अगर आपको अपने घर में रखने के लिए एक सुंदर सुशील स्पीकर चाहिए जो आपके घर का एम्बियंस भी बढ़ाए तो बहुत अच्छा है। एंड साउंड क्वालिटी तो मैंने आपको सुनाई थी कितनी ज़्यादा तगड़ी है, दिखता छोटा है बट बड़े स्पीकर से ये कम नहीं है। तो पार्टी वार्टी के लिए अकेला ये स्पीकर ही बहुत है, फिर चाहे आप इंडोर पार्टी करो या फिर आउटडोर पार्टी करो। तो आज के लिए इतना ही, ये था एडिफायर का D32 स्पीकर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करना। अगर मेरे लिए कोई फीडबैक है या फिर स्पीकर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है एंड ऐसी और टेक वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में।